रांची का राजकुमार सुजित मुंडा जिस सपना लेकर भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम में खेलने गए थे उनका सपना पूरा हो गया है। आपको बता दें कि भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। उसने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बांग्लादेश को हराया। भारत ने लगातार तीसरी बार खिताब जीता। यह टूर्नामेंट का तीसरा ही सीजन था। अन्य कोई टीम अब तक खिताब नहीं जीत सकी है। मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 277 रन बनाए। रमेश ने 63 गेंद पर नाबाद 136 रन बनाए। अजय रेड्डी ने भी 50 गेंद पर नाबाद 100 रन की पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम 3 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इस तरह से भारतीय टीम ने मैच को 120 रन के बड़े अंतर से जीता। हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले विवाद हुआ था। वीजा नहीं मिलने के कारण पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में शामिल होने भारत नहीं आ सकी थी। इससे पहले 2017 में हुए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। तब टूर्नामेंट के मुकाबले भारत में ही हुए थे। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 197 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने लक्ष्य को 1 विकेट होकर हासिल कर लिया था। भारत को 9 विकेट से जीत मिली थी। इससे पहले 2012 में भी भारत ने ही खिताब पर कब्जा किया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।